हेलो फ्रेंड्स एंड व्यूअर्स, दिस इज माधुरी एंड वेलकम टू माय चैनल माधुरी डिकोड्स। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत खुश होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे और अपने फैमिली के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे होंगे। आज मैं लेकर आई हूँ हमारे घर घर में बनने वाली एक बहुत ही हेल्दी और टेस्टी सी रेसिपी, जिसे आप रोटी, पराठा या राइस और दाल के साथ खा सकते हैं। तो आइए देखें इसके इंग्रेडिएंट्स। एंड ये रहा एक पॉजिटिव थॉट आज के दिन के लिए। ये है बरबट्टी, जिसे हम हिंदी में बरबट्टी कहते हैं। आप स्नेक बीन या काउपी बोल सकते हैं इसे। ये लंबी लंबी से एक बीन्स आती है, जो खाने में भी बहुत टेस्टी और हेल्दी है। ये फाइबरस भी है, तो हमारे हेल्थ के लिए भी अच्छा है। तो मैं आपको दिखा रही हूँ ये कैसे कट करना है। एक्चुअली इसमें कभी कभी कीड़े रहते हैं, तो उन पार्ट्स को अलग कर दीजिए और वन एंड हाफ इंच के आसपास के टुकड़े आप करके, और जो थोड़े रेसे हैं ना, वो आप निकाल के रख लीजिए। देखिए, पहले मैंने उसमें जो देख लेना है कहीं दाग है या काला है या फिर कीड़े वाले होल्स जो रहते हैं ना, उन सब जगहों को निकाल दिया है। और अब मैं 1 इंच के आसपास पीसेस कर ले रही हूँ। ये बेसिक से टिप्स है, लेकिन मैं शेयर कर रही हूँ क्योंकि मेरे कुछ फ्रेंड्स और व्यूअर्स हैं जो अभी नया नया खाना बनाना शुरू कर रहे हैं, या फिर कुछ टीनेजर बच्चे भी हैं जो अपने घर पर खाना बनाना ट्राई कर रहे हैं, तो इन टिप्स से उनको बहुत हेल्प हो जाएगी। मैंने कढ़ाई में लिया है 2-3 टेबल स्पून सरसों का तेल। सरसों के तेल में पहले मैं डाल रही हूँ मेथी। मेथी के दानों को आप खाने में ज़रूर शामिल करें सब्जी बनाने में। ये इतना कड़वा नहीं होता है, लेकिन इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं। मैंने इसी में डाल दिया थोड़े से जीरे के दाने और थोड़ा काला जीरा या कलौंजी आप बोलते हैं, या निजेला सीड्स, वो मैं डाल रही हूँ। सब 1/4 टीस्पून के आसपास है। अब मैं डाल रही हूँ इसमें 1 फुल बाउल ऑफ अनियन। इसे फ्राई होने के लिए 2-3 मिनट्स का टाइम देंगे। आप सरसों तेल के अलावा इसे व्हाइट ऑयल में भी बना सकते हैं। यहाँ आप देख रहे होंगे कि मैं बना रही हूँ काढ़ा, और काढ़े के बेनिफिट्स और रेसिपी मैंने शेयर की है। आप इसे मेरे चैनल पे ज़रूर देखिएगा, और काढ़े की रेसिपी को मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी वो वीडियो, ताकि आपको हेल्प हो जाए। ये हमें हेल्दी रखने के लिए, हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए बहुत अच्छा है। ज़रूर ट्राई करिए और आप भी पीजिए, अपनी फैमिली मेम्बर्स को भी पिलाइए। अनियंस अच्छे से फ्राई हो गया, फिर मैंने उसमें डाले पोटैटो के पीसेस, और पोटैटो को 1 मिनट तक थोड़ा सा सौते कर लेने के बाद मैं यहाँ डाल रही हूँ स्नेक बीन, काउपी या बरबट्टी, आप इसे जो कह लें। मैं यहाँ इस रेसिपी में बरबट्टी बोल के ही कर रही हूँ, क्योंकि हमारे नॉर्थ में इसे उसी नाम से बोला जाता है। इसमें मैं डाल रही हूँ हल्दी, रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा आधा चम्मच के करीब जीरा, और डाला नमक स्वाद के अनुसार, और 1/4 टीस्पून से भी कम शुगर। शुगर है ना, वो सब्जी का रंग बरकरार रहता है, और सब्जी पकने के बाद भी है ना, वो अपना कलर लिए हुए रहता है, उसका कलर नहीं जाता है, जो देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। थोड़ी थोड़ी देर के लिए ढककर पकाने के बाद 1 टीस्पून के करीब मैंने डाला जिंजर गार्लिक का पेस्ट। सबके हेल्थ का ख्याल रखते हुए हमें अपना भी ख्याल रखना होता है, इसीलिए मैंने अपना काढ़ा रेडी कर लिया है, और इसे अब मैं थोड़ा गरम गरम सिप करके पी लूंगी, और तब तक मेरी ये करी भी रेडी हो जाएगी।
सब्जी 80% तक कुक हो जाए उसके बाद टोमेटो ऐड करें। ये देखिए ढक के मैंने पकाया भी, फिर भी सब्जी का कलर कितना प्यारा सा रह गया है। तो चीनी, इतनी थोड़ी सी चीनी शरीर के लिए बुरी नहीं होती, आप जरूर डालिए, लुक बहुत अच्छा आएगा। अभी मैंने डाला 1/4 टीस्पून के करीब गरम मसाला पाउडर। मैं गरम मसाला का पाउडर घर पे खुद ही बना करके रखती हूँ, बहुत ही औसम उसका अरोमा आता है, फ्लेवर आता है। अगर आप चाहें तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, मैं आपको गरम मसाला पाउडर बनाने की रेसिपी बता दूँगी। ये मैंने ढक ढक के पका लिया था और लो टू अभी फ्लेम को थोड़ा सा ज़्यादा रखेंगे। और देखिए टमाटो भी कितने अच्छे से पक गया है, क्योंकि ढक ढक के पकाएंगे तो वो अच्छे से कुक हो जाता है। और अब हमारी करी ये रेडी है। यहाँ मैं गैस को करती हूँ बंद, और अब मैंने फुलके बना लिए और फुलके के साथ मैं ये सर्व कर रही हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल, प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू एंड बाय बाय।